नमस्कार दोस्तों, अगर आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया था और अब आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं कोई भी रीज़न के कारण, तो उसको कैसे आप वापस कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन कर लीजिए या फिर आप गूगल क्रोम पर flipkart.com पर जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, साइड में 3 लाइनिंग्स आपको दिखेंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा माई ऑर्डर्स का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही माई ऑर्डर्स को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिनको आपने ऑर्डर वगैरह किया है। ओके, अब आप जिसको भी रिटर्न करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मुझे आज ही डिलीवर हुआ है। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को जो भी वापस करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ओके, तो इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे एक रिटर्न का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आपको एक रीज़न फॉर रिटर्न आपको वापस करना चाहते हैं उसका क्या कारण है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट डैमेज है कि ब्रोकन है, या फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है आपने जो एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं है, या फिर कोई रॉन्ग आइटम आ गया। हम यहाँ पर यह सेलेक्ट कर लेते हैं रिसीव्ड अ ब्रोकन और डैमेज्ड आइटम, क्योंकि डैमेज भी है और हल्का मतलब क्वालिटी भी बेकार ही है। इसके बाद आपको मोर डिटेल्स में भी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कमेंट का दिखेगा, कमेंट्स, इसमें आप टाइप कर दीजिए अगर आपको कुछ करना है कि बेकार है या फिर कुछ भी है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं नॉट गुड। ओके, इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, आप वापस में क्या चाहते हैं, आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपको पास टूटा प्रोडक्ट मिल गया है, बेकार मिला है, वो रिटर्न करके मतलब रिप्लेस कर दिया जाए, आपको दूसरा प्रोडक्ट उसके बदले में दिया जाए, या फिर आप रिफंड चाहते हैं मतलब आप रुपए वापस चाहते हैं। तो जो भी आप चाहते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा जिसमें आपको देखिए दिख रहा है क्या है, रिटर्न सक्सेसफुल्ली इनिशिएटेड। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि कैसे फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट को वापस करते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।